देहरादून में राजभवन में चल रहे 5 दिवसीय टॉपर्स कॉन्क्लेव का समापन हो गया है। समापन के मौके पर मुख्यमंत्री हरीश रावत और राजपाल के पॉल भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि टॉपर्स कॉन्क्लेव के आयोजन के भविष्य में बेहतर परिणाम सामने आएंगे, इससे छात्रों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। वहीं कॉन्क्लेव के समापन पर विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रोफेसर्स ने शिक्षा क्वालिटी सुधारने पर जोर दिया। उधर कॉन्क्लेव में आए छात्रों ने भी राजभवन की इस पहल की तारीफ की। कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया ताकि हमारा यूथ को प्रॉपर उत्साहवर्धक मार्गदर्शन मिल सके और जिन लोगों ने अच्छा यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में किया है, जो टॉप के ऊपर आए हैं, उनको रिकग्निशन मिल सके। इससे दूसरे जो लड़के लड़कियां हैं उनको तो प्रोत्साहन मिलेगा ही और उनको काफ़ी इंस्पिरेशन के साथ साथ नए आयाम भी नजर आएंगे। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी मेन एजुकेशन की स्ट्रीम है उसमें भी और जो टेक्निकल एजुकेशन की स्ट्रीम है प्रोफेशनल एजुकेशन की, उसमें एक्सीलेंस आए, सुधार आए। और ये जो टॉपर्स कॉन्क्लेव है और इसमें जो डेलिब्रेशंस होते हैं उनसे कई उपयोगी टिप्स मिलते हैं, जानकारियां मिलती हैं और हमने पहले भी उसका उपयोग किया है और इस बार भी इसका उपयोग करेंगे। और मेरे लिए खुशी की बात है कि टॉपर्स कॉन्क्लेव जो है एक प्रकार से एक प्रशिक्षित अवसर के रूप में अब लोगों के बीच में है।